दंडौत बंदन अनकबार सर्व कला सर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ प्रगट पई सगले जुगंतर सत गुर नानक की वडिहाई पई सगले जुगंतर सत गुर नानक की वडिहाई प्रगट पई सगले जुग अंतर सत गुर नानक की प्रगट पई सगले जुग अंतर सत गुर नानक की वड्याई नानक की वड्याई सतगुर नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की सतगुर नानक की वड्याई सतगुर नानक की सतगुर नानक की वड्याई सतगुर नानक की वड्याई प्रगट पई सगले जुग अंतर सतगुर नानक की वड्याई कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पै अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ वाणी शब्द सुभाखिया गावो पढ़ो सुनो नित पाई गुरपूरै तू राखिया रहाओ साचा साहिब मित बढ़ाई भगत वछल दयाला संतां की पैज रखदा आया आद बिरद प्रतपाला हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्ब विला मुख पावो जरा मरा ताप सब नाठा
गुण गोबिंद नित गाव हो। सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्ब कला बनाई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई प्रगट पई सगले जुग अंतर सतगुर नानक की वड्याई प्रगट पई सगले सतगुर नानक की वड्याई अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई प्रगट पई सगले जुग अंतर सतगुर नानक की प्रगट पई सगले जुग अंतर सतगुर नानक की वड्याई परम सत्कार योग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु का खास रूप गुरु खालसा सतसंग जी दूरों नेड़ों चल के महापुरशां दे पवित्र स्थान ते पहुँच के धन 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 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन पवित्र दरबार दियां हाजरियां भर के काफ़ी समय तो गुरबाणी का हरी जस कीर्तन सरवण करके अपने समय नूं अते स्वासां नूं कीमती बना रहे हो। जो बाकी बचदा समा है उनूं भी आपां सारी संगत ने रल मिल के अकाल पुरख परमेश्वर की वडियाई जस सोभा करके अते सुन के अपने समय नूं अते स्वासां नूं कीमती बनाउणा है। जिन्नी संगत गुरु चरणा में सजी बैठी है जां सच्चे पातशाह नूं नमस्कार करन वास्ते आ रही है सारे अपनी रसना पवित्र करो गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा सतसंग जी अज दा जो दिहाड़ा है बहुत पवित्र ते महत्ता वाला है। भावें गुरु घर विच सारे दिन सारे महीने सारे रुत्तां इक्को जिहियां है पर अज गुरु नानक देव जी महाराज
आप अकाल पुरख परमात्मा ने नानक दे रूप दे विच संसार ते प्रगट होए आज जो पवित्र दिहाड़ा है जिथे जिथे नानक नाम लेवा संगतां रहिंदियां ने देशां विच विदेशां विच सब थां ते गुरु बाबा जी का गुरपुरब आगमन दिहाड़ा संगतां श्रद्धा भावना नाल मना रही हैं। अखंड पाठ साहिब चल रहे ने, कथा कीर्तन बाणी दे प्रवाह, नगर कीर्तन, प्रभात फेरियां, इउं लग रहा कि सारे ब्रह्मांड दे विच बाणी दियां गूंजां पै रहीआं। कत्तक दी पूर्णमासी नूं अमृत वेले महता कल्याण दास जी दे ग्रह विखे माता तृप्ता जी नूं ईमान बख्शिया माता होण दा संसार ते प्रगट होए, क्योंकि गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास अपनियां वारां विच फरमाउंदे आ सतगुर नानक प्रगटिया, जन्मया नहीं लिखिया उन्हां ने। भाई गुरदास वर्गा दुनिया ते विद्वान नहीं है जिन्हां नूं इह माण मिलिया कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी सब तो पहलां भाई गुरदास जी ने लिखी है। भाई गुरदास जी का एक कथन है कि सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होआ, ज्योंकर सूरज निकलिया तारे छिपे अंधेर पलोआ। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी वारां विच फरमाउंदे आ जिन्नी संगत गुरु चरणां विच सजी बैठी है आपां सारे आए हाँ बाणी पढ़न वास्ते सुनन वास्ते। पढ़ना जबान दा काम है ते सुनना कन्ना दा काम है। तुसी ज्यादे खेती करन वाले हो, जे आपां एक फसल बीज दीए ते एक छमाही खाली रख लिए एक फसल ना बीजिए ता फिर प्राप्ति कुछ नहीं है। इस करके आपां दोवें फसलां बीजदे आ, सौणी भी हाड़ी भी। ये दो फसल आपां तां ही बीजदे आ, हाड़ी अते सौणी। इधर भी आपां जे जबान नाल शब्द विच ना बोले फिर अद्धा लाभ रह जाएगा आपां नूं। कन्नां नाल सुनना भी है ते जबान नाल बोलना भी है, फिर आपां नूं पूरा पूरा लाभ प्राप्त होना है। भाई साहिब भाई गुरदास जी फरमाउंदे है सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानन होआ। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानन होआ।
सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानन। सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानन होया। सुंद जग चानन होया, सुंद जग चानन मिट्टी सुंद जग चानन होया जी, मिट्टी सुंद जग चानन होया। सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानन होया। सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानन होया। सतगुर नानक प्रगटिया जदों जदों धरती ते पाप फैलदा है, धरती ते पाप वध जांदा है, फिर काल पुरख परमात्मा नूं संसार ते किसे ना किसे रूप विच आउणा पैंदा है। जदों जदों गलियान फैलदी है, नफरत फैलदी है, पाप फैलदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने इन्ने पाप हो रहे सी कि पापां दी धुंद पई हुई सी। जे भाई गुरदास जी नेरा लिख देंदे तां अज दे पढ़े लिखिआं ने कहना सी लाइटां ही बहुत तेज ने अज कल, तां हुण तां नेरा रहना ही नहीं है, लाइटां ही इन्नियां तेज है। पर भाई गुरदास जी ने धुंद लिखी है, जदों धुंद पई हुंदी है कोई लाइट काम नहीं करती है, जिन्नी तेज लाइट जगाओगे उन्नी धुंद ज़्यादा फैलती है। भाव के इन्ने पाप हो रहे सी कि पापां दी धुंद पै गई। लाइटां तां उदों भी हैगियां सी, दीवे तां लोक उदों भी जगाउंदे सी, क्योंकि सारे धर्मां च उपदेश तां उदों भी दित्ता जांदा सी, नाम लोक उदों भी जपदे सी सतसंग जी। इह नहीं कि गुरु नानक देव जी मार तों पहलां लोक नाम नहीं सी जपदे जां धर्मी नहीं सी हैगे, हैगे सी। नाम दा दीवा टमकदा तां हैगा सी, पर पापां दी धुंद ही इन्नी पै चुकी सी कि कोई असर नहीं सी हो रहा। इन्ने पाप वध चुके सी, धरती पापां करके काली हो चुकी सी। कल मल होई मेद नी, अरदास करे विल लाए, सच्चे सुनिया कन दे, धीरक देवे सहज सपाए। पापां करके धरती काली हो गई, जिहड़ी काली चीज़ है दूजे नूं भी काला कर दिंदी है।
ਜਿਹੜੀ ਕਲਖ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਿਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹ, ਸਿਆਹ ਕਾਲਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਕੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਗ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਗਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਚੁੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹ ਚੱਗ ਵੀ ਨਾ ਬਾਲੋ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਸੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੋਗ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਨਾੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਧ ਦੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬਸੰਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਪੱਤਝੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਸੰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੁੰਨੀ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਪੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਗਰਕਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ, ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ, ਕੱਲ ਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵਿਲ ਲਾਏ, ਵਿਲਕ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸੱਚੈ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ। ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਖ ਵਰਗੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਵਰਗੇ, ਦੱਤਾਤਰੇ ਵਰਗੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਭੇਜੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਭੇਜੇ, ਬੜੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਬੜੇ ਔਲੀਏ, ਬੜੇ ਰਹਿਬਰ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਚਲਾਏ ਆ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਬਤ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਖਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਈ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ, ਕਿਲੇ ਕੋਟ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ।
ना तिस भारे कोट गढ़ घर बार बसंदे। नहीं जी, इन्हां दा कोई भार नहीं है। फिर आ जिहड़ा दरिया चलते ने, अन्न तोलिया पानी चल रहा दिन रात, इन्हां दा भार है। धरती कहिंदी नहीं जी, इन्हां दा भी कोई भार नहीं। ना तिस भारे सायरा नद ना वहंदे, इन्हां दा कोई भार नहीं है। आ जंगल बिया बाण खड़े ने, इन्हां दा भार होना है। ना तिस भारे तरवरां फल सुफल फलंदे, इन्हां दा भी भार नहीं है। फिर आ जिहड़ी 84 लख जूनी फिरदी है, ना तिस भारे जी जंत अगणत फिरंदे, इन्हां दा भी कोई भार नहीं है। फिर भार कहदा है? धरती कहिंदी मेरे उत्ते किरत कण बंदिआं दा भार है। मैनू भार लगदा किरत कण बंदिआं दा, ना मैनू पर्वतां दा भार लगदा, ना दरियावां नदियां दा भार लगदा, ना जंगल बिया बाना दा भार लगदा, ना किले कोट इन्हां दा भार लगदा, ना मैनू 84 लख जूनी दा भार लगदा। जे मैनू भार लगदा तां केवल किरत कण बंदिआं दा भार लगदा। भाई गुरदास जी ने लिखा, भारे भोए अकिरत कण मंदी हूं मंदे। मैथों भार चलिया ना जावे, किरत कण बंदिआं दा भार चलिया ना, किरत कण बंदिआं दा जी। मैथों भार चलिआ ना, मैथों पार चलिया ना जावे, चलिया ना किरत कण बंदिआं दा पार चलिया ना दाता जावे, किरत कण बंदिआं दा मैथों पार किरत कण बंदा धरती उत्ते सब तो ज़्यादा भार है। किरत कण वो है जिहड़ा किसी दे पर पुकार नूं भुल गया। एक तां वो किरत कण है जिन्हां नूं कोई समां दुख दा आया, संकट आया, किसी रिश्तेदार ने, किसी संबंधी ने, किसी मित्र ने उहदी मदद कीती औखे वेले। समां लंघ गया पर वो शुक्रगुजार नहीं होया, उहनूं याद नहीं रखिया, उहदा मुल नहीं तारिया, उहदा ऋणी नहीं होया, वो भी किरत कण है। पर वड्डा किरत कण वो है जिहनूं काल पुरख ने मनुखा शरीर दित्ता है, तियां पुत्तर दित्ते ने, घर बार दित्ता, जमीन जायदादां दित्तियां, इज्जत आबरू दित्ती है, सारा कुछ दित्ता है,
ते दे रहा है। जिहड़ा दाता मंगी जांदा ते दाता याद नहीं, जिन्हों जिन्हों दाता प्यारियां लगदियां ने ते दाता याद नहीं है, उन्हों कहिंदे ने किरतकन। असी भी तुहाडे विच ही हाँ, वैसे तो ये नहीं कि असी तुहानू सुना रहे हैं ते असी आप पता नहीं किन्ना कु करदे हैं, हो सकदा तुसी साडे तो ज़्यादा करदे हो। आपां नू सब नू पता है कि मैं किन्ना सिमरन करदा रोज़, किन्नी बाणी पढ़दा, किन्ना नाम जपदा, ये भी सब नू पता है कि असी किन्ना क रब तो रोज़ मंगदे हैं। ये कौन गल्लां करदा इधर, इहनू कहो सड़क तो पार हो जा माड़ा जिहा, तू गल्लां ही करनी है, तू दूजिआं नू नहीं सुण दिंदा कीर्तन। पहरेदार कित्थे हो तुसीं? पहरेदार दे कन्न तां दूर तक सुनने चाहिए भी कौन बोल रहे थे। इहनू उत्थों गेट तक विदा करिओ कि उत्थे जा के कर लै गल्लां। सो सतसंग जी, आपां नूं सब नूं पता है कि मैं रोज़ दाता तां मंग रहा पर दाता याद नहीं है। किन्ना रोज़ सिमरन करदे हां, किन्नी किन्नी बाणी पढ़दे हां, किन्ना क नाम जपदे हां, आपां नूं पता है। जे नहीं जपदे, नाम नहीं जपदे, सिमरन नहीं करदे, फिर सच्चे पातशाह कहिंदे ने उह सब तों भारा बंदा है धरती ते। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कंडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दिदार के, विसरिया जिना नाम से भोए भार थीए। महाराज कहिंदे ने उह धरती ते भार ने जिहड़े सिमर नहीं करदे, बाणी नहीं पढ़दे। धरती ते पार ने नाम नहीं जपदे जेड़े, धरती ते पार ने नाम नहीं जपदे जेड़े, धरती ते पार ने, धरती ते पार ने नाम नहीं, धरती ते पार ने नाम नहीं जपदे जेड़े, नाम नहीं जपदे जेड़े, नाम नहीं जपदे, नाम नहीं जपदे जेड़े, नाम नहीं जपदे जेड़े, धरती ते पार ने नाम नहीं जपदे, धरती ते पार ने नाम नहीं जपदे जेड़े,
विसरिया जिन्ना नाम से भोए पारथिए। सब तो वड्डा पुन नाम जपना, सब तो वड्डा पाप नाम नू भुल जाना। बाकी सारे पाप नेदू थले ने। जिड्डा मर्जी पापी बंदा है वो नाम जपन लग जाए, उदे अंदर वो पाप इस तरह तुर जाणगे जिमें शेर बाहर निकलदा बब्बर शेर। बाकी सारे जंगल दे जानवर छिप जांदे है। सिंह बुके मिर गावली पन्नी जाए ना धीर धरोआ। फिर कोई जानवर बाहर नहीं दिसदा, सब छिप जांदे है। जिमें दीवा जगाए ते नेरा घरों चलिया जांदा है। जिदे जीवन च सिमरन आ जाए, नाम जपन लग जाए, बाणी पढ़न लग जाए, उदे अंदरों पाप इस तरह चले जांदे है जिमें साबण लाए ते कपड़े चो मैल चली जांदी है। ते साडे वांगू कपड़े धर्मियां वाले पाए ने, लिबास धर्मियां वाला बनाया होया, पर नाम नहीं जपदा। नाम जपना छड़ दिता उन्हें तो सत्संग जी पापां विच ग्रस्त हो जाएगा। आ तुसी देखिया अज दे गुरु किन्ने कि जेलां च बैठे ने। लिबास धर्मियां वाला सी, गल्लां धर्मियां दियां करदे सी, पर धर्म है नहीं सी पल्ले। जे दीवा जगाओगे तो घरों नेरा चलिया जाएगा, दीवा बुझा दोगे नेरा आप ही आ जाएगा घर विच। जिहड़ा सिमरन करदा है, बाणी पढ़दा है, गुरबाणी इस जग में चानण, कर्म वसै मन आए। इस करके जिड्डा मर्जी पापी है, जिड्डा मर्जी बकारी है, दुराचारी है, वो सिमरन करन लग जाएगा तो उहदा जीवन है जिहड़ा पवित्र हो जाएगा। ते जे नाम नहीं जपदा, सिमरन नहीं करदा, तो वो पापां विच बकारां विच ग्रस्त हो जाएगा। नाम इन्ना पवित्र है, पापी तो पापी नूं भी पवित्र कर दिंदा है। मन रे प्रभ की सरन विचारो, जे सिमरत गनका सी उदरी। आपां नूं समझाउंदे ने इन्ने पाप करदी सी कि गिणे नहीं सी जांदे गनका, कोई टाइम ही नहीं सी जदों पाप नहीं सी करदी। ते जद उन्हें परमात्मा दा नाम जपया, सिमरन कीता, सो साध सिंह जी उही जिन्हें नरकां च जाना सी, गई बै कुंठ बबान चढ़ नरकै विच ना खाद उस गोता। जिन्हों लोकी कसाई कह के सद्दे हुंदे सी, कसाई जीवां दे गल वड्ढणे ते वेचणे। जद उन्हें परमात्मा की बंदगी कीती ते फिर दुनिया दे विच उन्हूं सदना भगत कह के सत्कारिया गया। नाम इन्ना पवित्र है, पापी तो पापी नूं भी पवित्र कर दिंदा है। एक बनस्पति दे विच रुख है, दरख्त है, ताड़ी दा। शास्त्र विच लिखिया कि ताड़ी दे रुख वल देखिए तां भी पाप लगदा है, उन्हूं हाथ लाइए तां भी पाप लगदा है, उहदा नाम अपनी जबान तो बोलीए तां भी पाप लगदा है। क्यों? उहदे विचों शराब निकलदी है ताड़ी दे रुख विचों।
ताड़ी दे रुख विचों शराब निकलती है, पर सतसंग जी जिन्ने पुराने ग्रंथ ने भावें गीता है भावें रामायण है भावें वेद ने भावें शास्त्र ने त्रेत ने अंजील ने होर तां कि जिहड़ा पहला सरूप लिखिया गया रामसर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा वो ताड़ी दे दरख्त दे बने कागज उत्ते लिखे गए ने सारे ही जिन्हों देखण दा पाप लगदा सी जदों दे उत्ते सिफत सलाह लिखी गई परमात्मा दी नाम लिखिया गया बाणी लिखी गई जिन्ना चिर संसार हैगा पूजे जाणगे सतसंग जदों दा संबंध नाम नाल हो गया ये एड्डी वड्डी करामात एड्डी वड्डी ताकत है बाणी विच नाम विच कि जिन्ना मर्जी उहदा कलंकत जीवन लोकी उहदे नाम तो ही नफरत करदे ने लैणा ही नहीं चाहुंदे। भगत रविदास जी कहिंदे ने जांकी छोत जगत को लागै जिन्हां नूं मेरा परछावां भी पिट दिंदा सी ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਧਰੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਰ ਢਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚੌਰ ਝੂਲਦੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। राम नाम लेत ही कौन को कलंक रहो राम नाम कौन को कलंक रहो कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही राम नाम लेत ही राम नाम लेत ही राम नाम लेत ही कौन को राम नाम लेत ही कौन को कलंक रहो कौन को कलंक रहे हो राम नाम लेत ही पतत पवित भए राम कहत ही। जदों दुनिया के लोग नाम नू भुल जाते ने रब नू भुल जाते ने तां फिर पापां विच प्रवृत्त हो जाते हैं। जदों ज़्यादा लोगों की गिनती
ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਡੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਧੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਰਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭੈ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰਦਿਆਲ ਪਾਧੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਆਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਰਖਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੇਕ ਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਕ ਲੰਕ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਕਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਮੈਲੀ ਰੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀੜੇ ਦੇ ਖੰਭ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਰਾਹ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਸਿਰੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁੰਨੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੁਰਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ,
ਡੱਗ ਕੁੱਤੇ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਏ ਸੀ ਰੂਮ ਬਣ ਗਏ, ਬੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਏ ਸੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹੀ ਉਹੀ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਫਰੋਲਦਾ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਨ ਜੋਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 8 ਰੁਪਈਏ, 7 ਰੁਪਈਏ, 10 ਰੁਪਈਏ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ 60 ਰੁਪਈਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬੀਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਜਦ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੂਨ ਚੋੜਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਪਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੀੜੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਲਣਿਆਂ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਬੀੜਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਬਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮ ਦਾ ਬਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਜੱਗ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦਾ? ਸਿਆਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਾ? ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਫਿਰ
वह भी आपां नूं पता है, खालक खलक खलक मैं खालक पू रहे हो सब ठाई। दुनिया विच रब है, रब विच दुनिया है। जिहड़ी गल दुनिया के मूँह च आ जाए रब की आवाज़ हुंदी है साध संग जी। जिहड़ी गल बहुते लोग बोलन लग जाण अपनी जबान तो वह परमात्मा की आवाज़ हुंदी है, तो कदे मिटदी नहीं हुंदी, कदे टलदी नहीं हुंदी। इस करके जदों जदों जुल्म हुंदा है, पाप हुंदा है, फिर अकाल पुरख धरती ते आउंदा है। एक बेनती है, इत्थे बड़े गुरु आए ने, अजे बड़िया ने आउणा, कोई साहबजादिया का रूप धार लैंदा, कहिंदा मैं साहबजादिया का रूप हाँ। एक दसवें पातशाह ही अपने आप नूं दसी जांदा है। ये ना सोचो ये गुरु का खालसा है भी शायद हुण शांत हो गया, चुप हो गया। नहीं नहीं, ये शास्त्र उदों चकदा जदों सिरों पानी टपदा है। उदों पहलां समझाउंदा है, हाथ भी जोड़दा है, ते मर दा हुक्म है, चूंकारा जहमा हील ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। फिर शस्त्र नूं फिर हत्थ पाउंदा है। इत्थे बड़े गुरु नानक बन गए गुरु नानक देव महाराज दे आउण तों पहलां। गुरु नानक देव दे रूप च काल पुरख परमात्मा ने मात लोक ते आउण दी तैयारी कर ली। इधर जिथे आना है, जिस मां नूं वड्याई मिलनी, वह मां भी बहुत जन्मां तो तैयारी कर रही है। भगती करद्यां करद्यां, परमात्मा की बंदगी करद्यां करद्यां कई जन्म बीत गए, परमात्मा खुश हो गया, कहन लगा मां मंग जो मंगना है। ते माता जी कहिंदे फिर मेरी कुखों पुत्र बन के जन्म लै। रब किसे दे अधीन नहीं है, ਸਭ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ,
डंगर चारदा पहरा दिंदा सारे काम करदा अपने भगतां दे भगती दे दीन हो के प्रेमा भगती दे दीन हो के परमात्मा कहिंदा तथास्तु मां मैं तेरी कुख तों पुत्र बन के जन्म लऊंगा। वो टाइम आ गया दौलतां दाई नूं बुलाया दौलतां बैठी डीक रही है दो बज गए बैठी बैठी नूं नींद आ रही है तंदला नींद जिहड़े सिमरन करदे ने उहनां वास्ते बड़ी विघनकारी है। जद काकरता दा टाइम आउंदा उस वेले आलस आ जांदी है ना सुत्ता हुंदा ना जागदा हुंदा। वह दौलतां दाई बैठी है ना जागदी है ना सुती है महसूस हो रहा है कि करोड़ां दी गिनती च लोग इस घर वल आ रहे ने साज वजा रहे ने क्योड़ा अतर खुशबू वालियां चीज़ां सुगंधी वालियां छिड़क रहे ने फुल्लां दी वर्खा कर रहे ने की महसूस करती है कि 33 करोड़ देवता अकाल पुरख नूं मात लोक ते जय जयकार करदे अभिनंदन करदे फुल्लां दीआं वरखां करदे साज वजाउंदे मात लोक ते छड्डण वास्ते आ रहे सी। जद दौलतां दी अख खुली तां धन गुरु नानक देव जी महाराज मुस्करा रहे सी। दौलतां दे हत्थीं जन्म नहीं होया महाराज दा सतगुरु नानक प्रगटिया प्रगट होए महाराज। जब दौलतां ने दर्शन किते सब तो पहला धरती उत्ते दौलतां दाई ते कृपा हुई है। मुसलमाननी है दौलतां इस्लाम मत दी है पर जो दर्शन होए सुरत चौथे पद भी चली गई तीन थले रह गए ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई खीवा हो गया मन दुनिया के पदार्थ थले रह गए। सो अज सतगुरु नानक देव जी महाराज संसार ते प्रगट होए अज उन्हों का प्रगट दिवस है आगमन दिहाड़ा गुरपुरब है। देसां विदेशों में जिथे जिथे संगतां रहिंदियां सब थां ते गुरबाणी दियां गूंजां कथा कीर्तन अखंड पाठ साहिब प्रभात फेरियां नगर कीर्तन चार छपेरे बाणी दियां गूंजां पै रहीआं। सो संगतां दूरों दूरों चल के जिथे अज गुरु के दरबार दियां हाजियां भरन वास्ते पहुंचे है उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज का गुरपुरब मनाउण वास्ते संगतां ने हाजरी लवाई है। सारियां संगतां नूं धन गुरु नानक देव जी महाराज दे गुरपुरब दियां लख लख वधाइयां होण। सो उन्हां दा जो उपदेश जो निचोड़ है उन्हां दा ये तीन सुनहरी सिधांत ने किरत करो नाम जपो वंड के छको। सो आओ हुण समां अग्गिआ नहीं दिंदा है गुरु स्तोत्र विच बोलो अरदास हुक्मनामा साहिब सरवण करके अगला जो प्रोग्राम दिता होया वो सरवण करके महाराज सरूप नूं सत्कार नाल वदायगी दे के फिर संगतां ने लंगर छक के चाले पाउणे हन। हुण सारे गज वज के गुरु स्तोत्र विच बोलो धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब धन है धन है धन है धन है गुरु अंगद साहिब जी धन है
धन है धन है धन है गुरु अमरदास जी धन है। धन है धन है धन है गुरु रामदास जी धन है। धन है धन है धन है गुरु अर्जन देव साहब धन है। धन है धन है धन है गुरु हरगोबिंद साहिब धन है। धन है धन है धन है गुरु श्री हराय साहिब धन है। धन है धन है धन है गुरु श्री हर कृष्ण साहिब धन है। धन है धन है धन है गुरु तेग बहादुर साहिब धन है। धन है धन है धन है जी गुरु गोबिंद सिंह साहिब धन है। धन है धन है धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है। धन है धन है धन है तेरा पंथ खालसा धन है। सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल वाहिगुरु 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 बोल वाहिगुरु 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 बोल वाहिगुरु बोल कदे ना डोल वाहिगुरु बोल कदे ना डोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल तू ठाकर